राम राम भाई सभी किसान भाइयों को। लो भाई, आज आप बात करांगे मूली की, जिसकी बजाय हमने विलेज जोशी नियर मथलौडा जिला पानीपत में 5 जुलाई को करी थी। बिजाई मशीन से हुई थी और बीज आपको दिखा देते हैं। ये हाईब्रिड में बीज था, 3636 हाईब्रिड रेडी सोनार जेनेक्स कंपनी का। तो ये जो हमने बीज डाला था वो पर एकड़ के हिसाब से 2 किलो बीज इसमें डाला था, और एक बेड पे हमने 2 लाइनों में मूली की बिजाई की थी। मूली की बिजाई किस तरह की थी वो मशीन आपको इस टाइम दिख रही होगी स्क्रीन पे, आपको दिखा देते हैं एक बार फिर। इस तरह दो, एक बेड पे 2 नालियाँ ये चलती हैं। तो उसके बाद क्या रिजल्ट रहा वो आपको अभी आगे दिखाते हैं। बिजाई के बाद एक हफ्ते बाद ये फार्मर द्वारा वीडियो भेजी हुई है मूली की, जहाँ हमने बिजाई की थी। ये जोशी विलेज की वीडियो है, ये खुद फार्मर ने वीडियो बना के भेजी है। जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लाइनों में बिजाई हो रखी है, उगी हुई है सारी, लगभग मोस्टली 99% मूली है वो बाहर आ चुकी थी। उसके बाद क्या होता है कि बारिश स्टार्ट होती है। बारिश स्टार्ट होने के बाद मूली आज 21 जुलाई को मूली का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। फार्मर ने क्या किया, जो पानी था साथ के साथ बारिश का वो निकालता रहे, जिससे कि मूली को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी डोल मेडे जो है वो बह जरूर गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मूली की फसल जो है वो अच्छी खड़ी है। तो जिस भी किसान भाई ने अगर बरसाती मूली की बिजाई इस सफ़ेद एरिया के आसपास से दोमट मिट्टी में करी थी, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो बरसात का पानी है वो साथ के साथ दूसरे खेत में निकालते रहे, ताकि मूली को कोई फसल को कोई नुकसान ना हो। ये देखो मूली आप देख रहे हैं, बढ़िया कंडीशन में खड़ी है। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।